In the name of Almighty God, the Gracious, the Merciful. Respected students, in today's e-lecture, we shall learn about stress and de-stress words. We shall learn rhythm, intonation as well. So how we can create rhythm music in our conversation, in our language. So English language is a rhythmic language. English language is also, you could say, stress time language. When we use stress and de-stress or stressed and unstressed word in our English language, it create music, it create rhythm. So whenever we talk in rhythm, it really sounds well. जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में या कोई भी लैंग्वेज में बात करते हैं, उर्दू हो, पुर्तगाल हो, स्पेनिश हो, जैपनीज हो, और फ्रेंच लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज, ये अपना अपना स्ट्रेस, अपना रिदम रखता है. कुछ लैंग्वेज सिलेबल टाइम लैंग्वेज, कहीं पे हम सिलेबल लेवल पे स्ट्रेस को यूज़ करते हैं, कहीं पे हम यू कुड से स्ट्रेस वर्ड लेवल पे यूज़ करते हैं, सेंटेंस लेवल पे. सो डिफरेंट लैंग्वेज का डिफरेंट, कुछ सिलेबल टाइम लैंग्वेज हैं, कुछ स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज हैं. तो स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में जस्ट या मेयर आप वोकैबलरी, ग्रामर और टेंसेस वगैरह सीख के आप ये कहें कि आप लैंग्वेज सीख गए हैं, यू विल नेवर एवर लर्न लैंग्वेज, बिकॉज स्ट्रेस, रिदम, कनेक्टेड स्पीच इन विच वी हैव फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, वी हैव रिदम, स्ट्रेस, एंड दिस रियली मैटर्स इन आवर नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज. इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड नेटिव स्पीकर, यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस वर्ड. तो स्ट्रेस और डी स्ट्रेस और रिदम को अगर समझना चाहते हैं किसी लैंग्वेज में, तो आपको पता होना चाहिए कि वट इज फंक्शन वर्ड्स एंड वट इज यू कुड से कंटेंट वर्ड्स. फंक्शन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो डी स्ट्रेस्ड हैं, जो किसी सेंटेंस के अंदर डी स्ट्रेस हैं, और कंटेंट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनके ऊपर स्ट्रेस होता है. तो इफ यू गॉट अ पेंसिल, काइंडली हैव योर पेंसिल एंड राइट कॉन्टेंट वर्ड्स एंड स्ट्रेस वर्ड. अभी मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्टेंट वर्ड्स कौन से होते हैं स्ट्रेस, जिन पे हम स्ट्रेस लगाते हैं या जिनको जिन पे हम स्ट्रेस को यूज करते हैं. जैसे हम स्ट्रेस को यूज करते हैं तो ये बड़े म्यूजिकल मीनिंग देते हैं. दे आर गिविंग और दे आर कन्वेइंग म्यूजिकल kind of meaning, harmony, it creates harmony in a sentence and it creates really musical element in our sentence. So first of all, write content words. हमारे sentence के अंदर जो content words होते हैं उनके नाम लिख लें. सबसे पहले उसमें हमारे पास है क्या है, content words में हमारे पास होता है verb, यानी main verbs, noun. कंटेंट वर्ड में हमारे पास है नाउन, वर्ब, एडवर्ब और WH वर्ड्स. यानी ये मेन चीजें हैं जो हमारे कंटेंट वर्ड्स में होती हैं. जहां पे ये आएंगे ना सेंटेंस के अंदर, वहां पे हम उन पे स्ट्रेस करेंगे, हम उन वर्ड्स पे स्ट्रेस लगाएंगे, उन वर्ड्स पे हम स्ट्रेस यूज करेंगे. जैसे ही स्ट्रेस यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक हार्मोनी, एक म्यूजिकल एलिमेंट हमें देगा, एक म्यूजिकल साउंड फील होगी इनके अंदर. तो दूसरा आप लिख लीजिए फंक्शन वर्ड्स. फंक्शन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है. ये स्ट्रेस ये स्ट्रेस के बगैर यूज होते हैं, या इनको हम कहते हैं जहां पे हम पिच को लो करते हैं, जहां पे हम अपनी साउंड को लो करते हैं, जहां पे हम वीकन करते हैं, वीक करते हैं साउंड को, और वीक साउंड को यानी उसमें हम वीक साउंड को करके हम अपनी कन्वे करते हैं, मीनिंग कन्वे करते हैं. सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर नोन एज यू कुड से फंक्शन वर्ड्स. इन फंक्शन वर्ड्स व्हाट वी हैव, in function words we have you could say pronoun, we have preposition, we have auxiliary words or helping words, helping verbs, article, phir likh lein article, preposition, pronoun or auxiliary verb ya helping verbs likh lein, jaise is, am, are hai, do, does hai. aur function words ke upar hum tab hi stress lagate hain jab
बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। जैसे वो कोई कहता है कि डू यू लाइक म्यूज़िक, आई डू आई डू। तो जब हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, इम्फेटिक सेंटेंस वगैरह यूज़ करते हैं या हम ज़्यादा किसी चीज़ पे जोर देने की ज़रूरत हो तो फिर इसके ऊपर हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे वो कहते हैं आई आई के साथ हमेशा आपको पता है कि शेल आता है, लेकिन अगर हम कहें कि हमने ज़रूर ये काम करना है, आई शेल आई विल डू दैट, ठीक है, तो उस वक्त हम थोड़ा सा जोर डालते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो किसी काम पे जोर देने की, तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं। अभी मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दूंगा एंड आई थिंक आई होप दैट आइडिया विल बी क्लियर अन टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट वॉट इज स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस वर्ड। सो आई हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट फंक्शन वर्ड्स एज वेल एज कंटेंट वर्ड्स। सो इन कंटेंट वर्ड्स वी हैव टॉक अबाउट द नाउन एंड वी हैव टॉक अबाउट द एडवर्ब, डब्ल्यू एच वर्ड वर्ब्स एंड यू कुड से एक्सक्लेमेशन लाइक इंटरजेक्शन वर्ड्स लाइक दैट। सो ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंटेंट वर्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द कंटेंट वर्ड्स। आई गिव यू वन एग्जाम्पल सो दैट विल बी वेरी क्लियर अन टू यू, आइडिया विल बी क्लियर अन टू यू। फर्स्ट ऑफ आई वॉन्ट अ न्यू आई फोन। आई वॉन्ट अ न्यू आई फोन। आई वॉन्ट अ न्यू आई फोन। सो अगर इसमें देखें तो कंटेंट वर्ड कौन कौन से हैं आप बताएं। अभी मैंने आपके सामने ये सेंटेंस लिखे, आई वॉन्ट अ न्यू आई फोन। आई वॉन्ट, यस वॉन्ट, आई फोन दोनों नाउन है डेफिनेटली। ये दोनों क्या है, कंटेंट, ये कंटेंट वर्ड्स हैं। तो आई मैंने बताया था क्या है, प्रोनाउन क्या होता है, कंटेंट कंटेंट वर्ड है या फंक्शन वर्ड है। ये फंक्शन वर्ड, फंक्शन वर्ड है, इस पे जोर देने की जरूरत नहीं है। आई जो है वो एक फंक्शन वर्ड है और इसके ऊपर जोर देने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा स्ट्रेस किस पे आता है, ये सारे डी स्ट्रेस हैं। आई भी डी स्ट्रेस है, आ भी आर्टिकल में आता है, ये भी डी स्ट्रेस है। और आई वॉन्ट अ न्यू आई फोन, आई वॉन्ट अ न्यू आई फोन, सो इट मीन दैट ऑल आर कैरिंग स्ट्रेस एक्सेप्ट आई एंड ए बिकॉज दे आर फंक्शन वर्ड्स। दे डोंट नीड टू बी स्ट्रेस्ड एट ऑल। दे आर कन्वेइंग आइडिया, दे आर क्रिएटिंग म्यूजिक विदाउट पुटिंग स्ट्रेस ऑन दैम। सो एट द मोमेंट वी आर जस्ट पुटिंग स्ट्रेस, वी आर जस्ट इम्फेसाइजिंग ऑन वर्ड्स वॉन्ट न्यू आईफोन बिकॉज दे आर द कंटेंट वर्ड्स एंड कंटेंट वर्ड्स कैरी स्ट्रेस। सो डी स्ट्रेस वर्ड्स आर आई एंड आ बिकॉज आई एंड आ वन इज अ प्रोनाउन एंड सेकेंड इज आर्टिकल एंड दे आर ओवरऑल दे आर नोन एज फंक्शन वर्ड्स। तो फंक्शन वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस लगाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस यूज वहां पे होता है जहां पे कंटेंट वर्ड्स आते हैं। कंटेंट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो बगैर फंक्शन वर्ड के मीनिंग देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं वॉन्ट न्यू फोन, वॉन्ट वॉन्ट न्यू आई फोन। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं कंटेंट वर्ड को बगैर फंक्शन वर्ड के भी बोलूं तो स्टिल ये मीनिंग कैरी करते हैं अपने साथ। बात तो यही है, बहुत सारे हमारे भाई जो सऊदी अरेबिया में या बाहर हैं वो जाते हैं तो वो ऐसे इंग्लिश बोलते हैं, वांट टू वर्क न्यू, वांट न्यू आईफोन, हबीबी आई वांट टू, आई वांट न्यू फोन, आई वांट गो पाकिस्तान। सो दे आर स्पीकिंग, इफ आर पाकिस्तानी दे गो टू सऊदी अरेबिया, सो दे यूजिंग मिक्सचर लैंग्वेज विच इज ऑल्सो नोन एज क्रोल काइंड ऑफ लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं वहां पे कि जो मिक्सचर सी लैंग्वेज होती है, वो कहते हैं हबीबी आई वॉन्ट टू गो, वो आप फिर कहते हैं इस तरह डिफरेंट हबीबी आई गो मार्केट। सो दे आर यूजिंग लैंग्वेज जस्ट बाई यूजिंग वट कंटेंट वर्ड्स दे यूज, दे डोंट यूज फंक्शन वर्ड्स। वो फंक्शन वर्ड्स यूज किए बगैर ही लैंग्वेज बोल लेते हैं। तो वो क्या किस किस किसको यूज करते हैं, वो कंटेंट वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे वो नाउन को यूज करते हैं या उन्होंने यूज कर लिया एडवर्ब यूज कर लिया या डब्ल्यू एच फॉर्म यूज कर लिया, नेगेटिव यूज कर लिया, ये सारे हमारे कंटेंट वर्ड्स हैं। अब कंटेंट वर्ड्स में वो कहता है ऐसे कंटेंट वर्ड्स होते हैं जो बगैर फंक्शन वर्ड के भी मीनिंग दे देते हैं। अब डी स्ट्रेस वर्ड मैंने बता दिया, लिख लें आई और ए जो है इनके ऊपर जोर देने की स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। ये डी स्ट्रेस वर्ड होते हैं, ये वीक वीक फॉर्म में बोले जाते हैं। अगर हम इन पे भी स्ट्रेस दें तो वो मीनिंग, वो म्यूजिक क्रिएट नहीं होता, वो रिदम क्रिएट नहीं आता, हम रिदम लॉस कर देते हैं लैंग्वेज के अंदर। सो
इसके अलावा हमारे मेरे पास कुछ और आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल हैं दैट विल मेक अ वेरी क्लियर, दैट आइडिया विल बी क्लियर अन टू यू. आई एम अ स्टूडेंट, लिखें जरा वर्ड, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट. तो आप देखेंगे यहाँ पे एक स्ट्रेस आपको फील होगा, आई एम अ स्टूडेंट. तो कंटेंट वर्ड इसमें कौन कौन सा है, यानी ये स्टूडेंट जो है ये हेल्प, ये कंटेंट वर्ड है, तो इसके ऊपर आई एम अ स्टूडेंट. तो ना प्रोनाउन पे इतना स्ट्रेस है, ना ये पे है ना. आगे एक और मिसाल देता हूं आपको, द लिटिल बेबी वॉन्ट, द लिटिल बेबी वॉन्ट टू बी विद हिज मदर, द लिटिल बेबी वॉन्टेड टू बी विद हिज मदर. ओके, तो इसको सेंटेंस को लिखें, द लिटिल बेबी वॉन्टेड टू बी विद हिज मदर. अब इसमें आप स्ट्रेस वर्ड यूज करें या आप इसमें कंटेंट वर्ड स्लैश करें, कौन कौन से हैं, जैसे कौन सा है पहले, कौन सा है हमारे पास, बेबी एक यस नाउन है, वांटेड वर्ब है, बिल्कुल कंटेंट वर्ड्स है, बी जो है इसको भी कंसीडर कर लें क्योंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही आ जाता है, तो इसको भी कंसीडर कर लें कि ये भी स्ट्रेस है. बी विद, जैसे हम कहते हैं द लिटिल बेबी वांटेड टू बी विद हिज मदर, ये हिज जो है प्रोनाउन है, ये भी स्ट्रेस नहीं है, ये डी स्ट्रेस है. मदर जो है नाउन है, वो भी स्ट्रेस वर्ड है, यानी ये कंटेंट वर्ड सारे स्ट्रेस में आ जाएंगे. वी हैव टू स्टडी फ्रॉम मंडे टू ट्यूजडे, वी हैव टू स्टडी फ्रॉम मंडे टू ट्यूजडे, ये भी लिखें, वी हैव टू स्टडी फ्रॉम मंडे टू ट्यूजडे. अब मंडे जो है और ट्यूजडे जो है, ये दोनों के अंदर स्ट्रेस है, मंडे टू ट्यूजडे, टू ट्यूजडे. अब ना तो हैव में स्ट्रेस है, ना वी में स्ट्रेस है, ना स्टडी में स्ट्रेस है, क्योंकि ये वर्ब है, टू स्टडी वर्ब है. तो इसके इससे भी हमने यूज किया, मेरे से अगर हम लेट सपोज इनको ओमिट कर देते हैं, हम कहते हैं स्टडी मंडे ट्यूजडे, अब ये तब भी थोड़ी बहुत मीनिंग आ रहा है ना इसके अंदर. इसका मतलब है कंटेंट वर्ड्स के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी उसके अंदर ताकत है कि वो बगैर फंक्शन वर्ड के भी अपना मीनिंग कैरी करता है. ठीक है, तो ये आई हैव, आई लव बनाना, ये देखे कितने बनाना के अंदर कितने सिलेबल है और किसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, आपको खुद फील होगा. थोड़ा सा देखें, आई लव बनाना, सो बनाना, तो जो ना है वो ना थोड़ा सा लॉन्गर और लाउडर साउंड फील होता है, बनाना बनाना, सो आई लव बनाना. सो इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रेस वर्ड्स हैं और डी स्ट्रेस कौन सा वर्ड है, आई लव बनाना, कौन कौन सा, लव, या ये जो डी स्ट्रेस वर्ड है ये हमारे पास फंक्शन वर्ड है जो कि आई है, जो कि एक प्रोनाउन है. हमने अभी बात की, ना तो आर्टिकल पे स्ट्रेस होता है, ना एडजेक्टिव पे होता है, ना उसके ऊपर होता है, प्रोनाउन के ऊपर होता है, ना आर्टिकल पे. ये सारे जो हैं डी स्ट्रेस है और ये अपने एक रिदम क्रिएट करते हैं जब हम इनको बोलते हैं. अब एक और है, स्ट्रेस आर डी स्ट्रेस वर्ड्स आर सच काइंड ऑफ वर्ड्स विच क्रिएट्स हार्मोनी रिदम म्यूजिक म्यूजिकल टोन्स व्हेन दे आर यूज्ड एज अनस्ट्रेस्ड वर्ड इन अ सेंटेंस. जब किसी वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर हम अनस्ट्रेस्ड वर्ड को उनके वैसे ही बुलाते हैं या वैसे बोलते हैं, तो वो भी एक म्यूजिकल क्रिएट करते हैं, वो रिदम क्रिएट करते हैं. सो द वेरी आइडिया कन्वेज मीनिंग स्ट्रेस. नो वी शैल टॉक अबाउट व्हाट इज इंटोनेशन. द राइज एंड फॉल्स इन आवर टोन आर पिच इज नोन एज, द राइज एंड फॉल्स इन आवर पिच और साउंड इज नोन एज इंटोनेशन. इंटोनेशन की तारीफ ये है कि जो राइज और फॉल्स हमारी साउंड में आता है, हमारी पिच में आता है बोलते हुए, तो वो क्या कहलाता है, इंटोनेशन कहलाता है. मिसाल के तौर पर अभी मैं मिसाल दूंगा, अभी she got a dog. अब ये एक सेंटेंस लिखें, she got a dog. तो दूसरे पे लिखें she got a dog और dog लिखने के बाद आखिर पे सवालिया निशान लगा दें.
यानी ये सिंपल एक सेंटेंस है ना, इसके आखिर में सवालिया निशान लगा दें। तो अब जो स्ट्रेस होता है ना, जो इंटोनेशन होती है उसकी उसकी ये बनाए, एरो का निशान बनाए। एक होता है इंटोनेशन में राइज, ऊपर एरो का निशान ऐसे उठाएं ऊपर की तरफ। एक होता है फॉल, नीचे गिर रहा है, एरो का निशान नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। एक होता है पार्शियल फॉल। पार्शियल फॉल का मतलब समझते हैं कि जो फॉल नीचे की तरफ गिर रहा है ना, तो वो हाफ है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। एक होगा कि एरो का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे जिसको फॉल कहते हैं। एक थोड़ा सा ना ऐसे होगा डायगोनल, पार्शियल फॉल नीचे की तरफ, यानी हाफ वो ऊपर लग रहा होगा हाफ नीचे, इसको हम कहते हैं पार्शियल फॉल। तो ये तीन या इससे ज्यादा किस्म की आप इंटोनेशन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ शी गॉट अ डॉग, शी गॉट अ डॉग, शी गॉट अ डॉग, उसके पास एक डॉग है, जो उसने डॉग लिया, उसके पास डॉग है। अब दूसरा हम कहते हैं शी गॉट अ डॉग, शी गॉट अ डॉग। अब देखिए दोनों में बड़ा, एक में क्या मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एक में एक सवालिया निशान बन गया है, और दूसरे में एक सिंपल सेंटेंस है। मिसाल के तौर पर शी गॉट अ डॉग, उसके पास एक डॉग है, तो दूसरा क्या है, शी गॉट अ डॉग। अब दोनों में देखे, मैंने एक में मैंने इंटोनेशन को लास्ट जो डॉग है उसमें बिल्कुल ऊपर उठा दिया है, शी गॉट अ डॉग। जैसे मैं कहूं ज़ेबोनिसा नोज इंग्लिश, ज़ेबोनिसा स्पीक्स इंग्लिश, मैं कह दूं ज़ेबोनिसा स्पीक इंग्लिश। अब देखें, अब एक में मैंने इंटोनेशन को ऊपर उठा दिया है बिल्कुल, तो टोटली उसमें एक सवालिया निशान, ज़ेबोनिसा स्पीक्स इंग्लिश, ज़ेबोनिसा इंग्लिश बोलती है। फिर मैं कहूं ज़ेबोनिसा स्पीक इंग्लिश, अब इंग्लिश में मैंने थोड़ा सा जोर दिया तो ऊपर क्वेश्चन बन गया, ये इंटोनेशन ने क्या बना दिया उसको, सवालिया, एक इंट्रोक्टिव बना दिया। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ेबोनिसा भी इंग्लिश बोलती है। जैसे मैं कहूं आई विल सी यू टुमारो, तो दूसरे में कहूं आई विल सी यू टुमारो, या मैं ऐसे करूं आई विल सी यू टुमारो, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें सुबह देख लूंगा, दूसरे तो मैं सुबह तुम्हें मारूंगा, पनिशमेंट दूंगा। तो दोनों में इंटोनेशन का जो फॉल है या अप है वो टोटली चेंज कर देता है मीनिंग को। इसलिए कहते हैं कि मेयर ग्रामर सीखना, वोकैबुलरी सीख लेना, टेंसेस सीख लेना, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। इंग्लिश बोलने के लिए आपको स्ट्रेस आना चाहिए, डिस्ट्रेस वर्ड आना चाहिए, रिदम का पता हो आपको, म्यूजिकल टोन का, नोट्स का पता हो कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर इंटोनेशन का, राइज और फॉल का पता हो, फिर आप लैंग्वेज को अच्छे से बोल और सीख सकते हैं। आई गॉट अ डॉग, आई गॉट अ डॉग, मेरे पास एक डॉग आई, शी गॉट अ डॉग, सो इट टोटली चेंज मीनिंग। हाउ आर यू, तो दैट टोटली गिव्स डिफरेंट मीनिंग। Your dog speak English. Your dog speak English. Yeah, मैं कहूँ your dog speak English. So it will change meaning and give another meaning. तो syllable के ऊपर जब हम मेरे से stress देते हैं या syllable को हम change करते हैं तो ये different meaning देता है। I have to go to school. आप देखें, मैं आपके सामने एक sentence लिखता हूँ। I have to go to school. इसके अंदर आप पता करें कि फंक्शन वर्ड्स कौन से हैं और कंटेंट वर्ड्स कौन से हैं। अभी बताएं मुझे फंक्शन वर्ड्स कौन से हैं और कंटेंट वर्ड्स कौन से हैं, कौन कौन से हैं? हाँ जी, गो है, हेल्प, उसके बाद स्कूल है। तो ये सारे क्या है, ये कंटेंट वर्ड्स हैं। फंक्शन वर्ड्स उनके ऊपर, फंक्शन वर्ड्स के ऊपर वैसे ही स्ट्रेस नहीं होता। I want my brother to speak English. So want जो है वो कंटेंट वर्ड है, ब्रदर जो है वो कंटेंट वर्ड है, स्पीक जो है वो कंटेंट वर्ड है, इंग्लिश जो है वो फंक्शन कंटेंट वर्ड है। It's not the best idea. उसके अंदर भी आप फाइंड कर सकती हैं फंक्शन वर्ड्स कौन से हैं, कौन कौन से हैं, आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शन वर्ड्स हैं। आई होप यू गॉट आइडिया अबाउट द फंक्शन वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स, यू हैव अंडरस्टूड अबाउट, यू कुड से इंटोनेशन, यू अंडरस्टूड अबाउट रिदम, स्ट्रेस, डी स्ट्रेस वर्ड्स। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि शी गॉट अ डॉग, हम अगर कहते हैं
शी गॉट अ डॉग डिफरेंट मीनिंग टोटली मीनिंग्स आर चेंज आई वॉन्ट माई ब्रदर टू स्विम आई वॉन्ट माई ब्रदर टू विन. तो एक और स्ट्रेस और डी स्ट्रेस वर्ड के साथ हम यानी स्ट्रेस की भी इकसाम होती हैं. एक होता प्राइमरी स्ट्रेस एक होता सेकेंडरी स्ट्रेस. अब प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस भी मीनिंग को चेंज कर सकते हैं. आप एक वर्ड लिखें परफेक्ट. क्या वर्ड लिखेंगे अभी परफेक्ट. अगर तो हम फा पे ये पी पे स्ट्रेस देते हैं ये प्राइमरी स्ट्रेस यहां पे यूज करते हैं तो ये क्या बनाएगा नाउन बनाएगा इसको यानी पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाते हैं. ये क्या लफ्ज बन जाएगा वर्ड नाउन. अगर हम फैक्ट पे देते हैं एफ पे साउंड इस पे जोर देते हैं जैसे परफेक्ट परफेक्ट इट विल बिकम इट विल क्रिएट वर्ब. तो ये वर्ब की सेंस देगा. जैसे हम कहते हैं कॉन्टेस्ट 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 का मतलब होता है फाइट. अगर हम खा पे जैसे खा साउंड है जैसे कॉन्टेस्ट 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 खा पे हम जोर देते हैं तो ये क्या बना देगा इसको नाउन. अगर हम छा पे देते हैं जैसे कॉन्टेस्ट इट विल बिकम वर्ब. तो ये वर्ब बन जाएगा जैसे आई हैव कॉन्टेस्टेड आई हैव कॉन्टेस्टेड कॉन्टेस्टेड के मैं लड़ा. कॉन्टेस्ट का मतलब होता है लड़ना. तो इस तरह अगर आप फर्स्ट सिलेबल पे जोर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका स्ट्रेस देते हैं तो वो आपका नाउन बन जाएगा. सेकंड पे देंगे तो वर्ब बन जाएगा. आप इस तरह पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है जी. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट आवर अबाउट स्ट्रेस डी स्ट्रेस रिदम एंड यू अंडरस्टूड अबाउट इंटोनेशंस हाउ कैन यू क्रिएट पार्ट ऑफ स्पीच हाउ कैन यू चेंज पार्ट ऑफ स्पीच. सो वी हैव गिवन लिटिल बिट आइडिया अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेस. इन टुमारोज लेक्चर आई एम इंटरेस्टेड टू टीच यू अबाउट लियन Alien, I am interested to teach you about connected speech. And connected speech, we have fluency and accuracy. We'll talk about accuracy and fluency, which are part of your, you could say, linguistic course. And I'll teach you about connected speech. You'll learn thorough idea about connected speech, accuracy, fluency, and which are essential part of your course. And you should learn about connected speech. Tomorrow we'll be talking about this. So after this we are going to start our criticism course. We are going to start our criticism. Till stay blessed and Allah Hafiz.